और इस वक्त मेरे प्यारों पूरी तवज्जो के साथ सुनो, कुछ बातें सुनी ही हुई आ सकती हैं, कुछ बातें नहीं आ सकती हैं, और सुनी ही हुई बातें बयान करने पर मुझे कोई शर्म भी नहीं है। उसकी दो वजह है, एक वजह ये है कि पढ़ा हुआ सबक पढ़ने से सबक मजबूत होता है, पढ़ा हुआ सबक पढ़ने से सबक क्या होता है, मजबूत होता है। दूसरी वजह क्या है कि मैं कई साल पहले शायद कोई बात कहा रहूं और कई सालों के बाद वो बात आ रही है, इस उम्मीद से कहता हूं कि कल का जुमा ये जुमा याद नहीं रहता तो सालों की बात उम्मत को कहां याद रहेगी। कल का जुमा ये जुमा याद नहीं, कल का जुमा या गुज़िश्ता जुमा, आने वाले जुमा तक याद रहना तो दूर की बात, के जुमे की बातें हफ्ते तक याद नहीं रहती। मुझे माफ फरमा दे कि हफ्ते तक याद रहना तो दूर की बात, के मस्जिद से निकलते ही जुमा भी खत्म। बड़े अमानतदार हैं हम लोग इस दौर के मुसलमान, मस्जिद की कोई चीज़ लेकर बाहर नहीं जाते, न फैन लेकर जाते हैं, न लाइट लेकर जाते हैं, न माइक लेकर जाते हैं, न कालीन और जाए नमाज लेकर जाते हैं, न असा लेकर जाते हैं, न बाथरूम के और हाउस खाने के जगह लेकर जाते हैं, और इसी तरीके से मस्जिद का बयान भी लेकर बाहर नहीं जाते। बड़े अमानतदार हैं आप लोग। मसला तो यही है कि मस्जिद की कोई चीज बाहर लेकर न जाओ, लेकिन बयान लेकर जरूर जाओ, बयान लेकर जरूर जाओ, तमाम मस्जिद के उलमा का बयान लेकर घर जाओ, दुकान जाओ, बयान को अपनी जिंदगी के साथ रखो। अगर बयानों को घर लेकर जाते, बयानों को दुकान लेकर जाते, बयानों को बाजार लेकर जाते, साए की तरह हजरते उलमाए किराम के बयानों को अपने साथ रखते, तो मुझे फिर से दो बातें कहने का मौका मिल रहा है। एक, हमारी हालत ये न होती, दूसरा, दुश्मनों की ताकत न होती। अगर उलमाए किराम के जज्बात, उलमाए किराम की नसीहतें, उलमाए किराम का दर्द कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, सीरत की रोशनी में, सहाबा की रोशनी में, अगर हम लोग जहां बैठकर सुनते हैं वहां से लेकर जाते और साथ रखते, तो दो बातें, एक हमारी हालत, हमारी सूरतें, हमारी जिंदगी, हमारे घर, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारी तमीज़, हमारा अदब, हमारा मेयार ना होता ऐसा, और दूसरा, दुश्मनों में ताकत ना होती। क्योंकि मेरे प्यारों, ये जुमला याद रखना, ये मेरे प्यारों ये जुमला याद रखना, दुश्मन सबका मुकाबला तो कर सकता है, उस गुलाम मोहम्मद का मुकाबला कर नहीं सकता जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं। दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर अमल होता है, अमल। दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर सलामत ईमान होता है। दुश्मन उसका मुकाबला नहीं करता जिसके अंदर सलामत प्यारे आका की सुन्नतें होती हैं, सही जिंदगी होती है, उसका मुकाबला दुश्मन करता नहीं। और मुझे साफ कहने दो मेरे प्यारों, आज दुश्मनों की ताकतें, आज दुश्मनों की जुबान, समझ में आ रही है बातें मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? आज दुश्मनों की ताकतें, आज दुश्मनों की जुबान,
आज दुश्मनों का जहन, दुश्मनों के मंसूबे, दुश्मनों का प्लान ये बता रहा है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। चाहे हमारे मुल्क भारत के अंदर रहने वाले दुश्मन हो, चाहे आलम में रहने वाले दुश्मन हो, ये दुश्मनों की ताकतें, हिम्मतें, जुबान, दिमाग, मंसूबे, हमले अंदर के बाहर के बता रहे हैं आलम इस्लाम के मुसलमानों, मुल्क भारत के मुसलमानों, हमारा ईमान कमजोर है। आका से हमारा रिश्ता कमजोर है, कमजोर आमाल से हमारा रिश्ता कमजोर है, कमजोर। वरना 1450 साल की एक तारीख पूरी तवज्जो के साथ सुने, आज एक आज कुछ जरूरी और अहम बातें आपके सामने करने के लिए मैंने अपना उन्वान बदला है, उन्वान। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कौम जुमे के लिए 2 घंटे बर वक्त देती नहीं। आधा से कम मजमा शुरू से सुनता है और आधे से ज्यादा मजमा पौनी तकरीर छोड़ देता है, बाद में आता है, बाद में आता है। ये तो उलमा के हौसले और हिम्मतें हैं, मुट्ठी भर मुसलमानों को सामने रखकर कुरान का सबक देते हैं। 100 बच्चों की क्लासरूम में 25 बच्चे ना हो सबक चलता नहीं। 2000-3000 की कैपेसिटी वाली मस्जिद में जब खतीब बयान करने के लिए बैठता है 10-15 बैठे रहते हैं, ये उसका जिगर, हिम्मत, ताकत नहीं तो और क्या है। उन 10-20 को बिठाकर अपनी तकरीर का आगाज करता है, आगाज। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कुछ बातें अर्ज करने ही वाला था, शुरू में आते नहीं, आते नहीं, शुरू में आते नहीं, जबरदस्त दर्द लेकर आया, फिक्र लेकर आया। दर्द लेकर आया।